प्यारे बच्चों, जैसा कि आज आप लोगों का क्लास 12 से बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का पेपर होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का बिल्कुल ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुके हैं। बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर है। इसका पहले ही आंसर की मैंने बता दिया था, सब्जेक्टिव का नहीं बताया था, वो मैं बताऊंगा। ऑब्जेक्टिव का भी विषय कोड वही आपका जो है 119, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, टोटल 50 नंबर का एग्जाम होगा। तो ये आप लोग प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हो। सेशन ए में आप लोगों से 1 से लेकर के जो है 30 तक प्रश्न पूछा, आपको 25 प्रश्न बनाना है। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैंने पहले ही ऑब्जेक्टिव का दे दिया था। जैसे कि नर जनन तंत्र स्थित किस में होता है, तो मैंने पहले ही बोला था ये आपका पृष्ठ क्षेत्र में होता है। दो नंबर क्वेश्चन में फटाफट से मैं बता दूं, ऐसे आप देखोगे तो प्यारे बच्चों जो है ना, यहाँ पर मैं आपको सब्जेक्टिव प्रश्न बताने के लिए आया हूँ। बट मैं प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव का नहीं देखा है तो मैं इसका भी बता देता हूँ, फिर सब्जेक्टिव भी बताऊंगा। तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिएगा, पहला का आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। चलिए पहला का आप लोगों ने नोट कर लिया, अब चलिए दो नंबर का भी नोट कर लीजिए। अंडाशय किस में पाया जाते हैं, आपका हो जाएगा मादाजनन में। दो नंबर का, तीन नंबर का नोट करिएगा। तो इसका राइट आंसर, जैसे कि अंडाशय से मादा युग्मक उत्पन्न होता है जिसे क्या कहा जाता है, तो तीन का ऑप्शन नंबर से हो जाएगा अंडाणु। बस नोट करते चलिए, फटाफट से मिला लीजिए और नोट करके एग्जाम हॉल में जाइए, ठीक है। अंडावाहिनी का अंतिम भाग क्या कहलाता है, तो 4 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ग्राफियन फॉलिकल जो ना किस में पाया जाता है, तो आप नोट करेंगे 5 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, खरगोश के वृषण में। इसी प्रकार से आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 नंबर बोला जा रहा है, 6 नंबर का नोट करेंगे आप लोग, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फटाफट से मैं आंसर बता दूँ, 7 नंबर का नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन डी होगा। 8 नंबर का नोट करिएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। बस प्रश्न का आंसर बता रहा हूँ, ठीक है, नोट करते चलना है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं ना, आगे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 का नोट करेंगे। लैंडिंग कोशिकाएं किस में पाई जाती है, तो ऑप्शन होगा यकृत में। क्वेश्चन नंबर 9 का नोट कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का नोट करेंगे, इससे होगा। बस नोट करते चलिए, सब्जेक्टिव भी आप लोगों को हमें बताना है ना। चलिए यहाँ पर 10 का हो गया, 11 का नोट कर लीजिएगा, जो ना असल टोली कोशिकाएं किस में पाई जाएगी, तो नोट करिएगा, वी हो जाएगा, वृषणों में। क्वेश्चन नंबर 12 का नोट करेंगे तो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 14 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बस फटाफट से नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए 15 का नोट कर लीजिए, 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 16 का नोट करेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा। 17 का नोट करेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा। 18 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर इसका भी जो है ना, इसका भी डी हो जाएगा, ठीक है। बस आप लोग फटाफट से नोट करते चलिए, आगे बढ़ते। 19 नंबर का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल जो है ना क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 के बाद 20 नंबर का नोट करेंगे, 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 21 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर बिल्कुल इसका डी हो जाएगा, 21 का डी हो जाएगा, ठीक है। 22 का भी जो है ना, 22 का भी डी ही होगा। और 23 का ऑप्शन नंबर जो है ना, 22 का बी होगा प्यारे बच्चों, ठीक है, साप्ताहिक 22 का भी होगा। 23 का नोट करेंगे ना, 23 का तो इसका डी होगा, 23 का डी नोट कर लेना, ठीक है। चलिए 23 का डी नोट कर लेना इनमें से सभी। 24 का नोट करेंगे ना, तो 24 का ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। 25 का नोट करिएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। बस नोट करते चलना है। इससे पहले मैट का बता दिया, इसी चैनल पे अभी डाउनलोड करने के लिए सिखाऊंगा, वैसे करना, ठीक है। 26 का ऑप्शन नंबर आप लोग ना यहाँ पर नोट करोगे तो ऑप्शन नंबर 26 का सी हो जाएगा, ठीक है, आई वी अप हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फटाफट से आप लोग 27 का नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 28 का नोट करिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 29 का नोट करिएगा, ऑप्शन नंबर जो ना 29 का डी हो जाएगा, ठीक है। डेमोग्राफी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर है, 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये 30 ऑब्जेक्टिव का मैंने बताया, फटाफट से सब्जेक्टिव यहाँ पर देख लो। सेशन ए में आपसे यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक प्रश्न पूछा, 5 ही बनाना है, ठीक है, 10 नंबर के लिए आपका है। तो यहाँ पर देख लो, सबसे पहला नंबर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है, लोगों के कमजोर स्वास्थ्य के कारण मुख्य कारण क्या है। 2 नंबर की संचारित रोग क्या है। 3 नंबर है संख्यांकी को परिभाषित करें। 4 नंबर की 2 यौन संचारित रोगों के नाम लिखे। और 5 नंबर है 2 जो है ना लाइलाज यौन संचारित रोग का नाम लगाए। तो मैं आपको लगातार 5 प्रश्नों का उत्तर बताऊंगा, ठीक है, बट प्रश्न दिखा देता हूँ। 6 नंबर है नर शुक्राणु कहाँ संग्रहित होती है। और 7 नंबर है नर और मादा युग्मक क्या कहलाते हैं। आगे बढ़ेंगे ना, तो क्वेश्चन में यहाँ पर आपके सामने 8 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, लैंडिंग की कोशिकाएं कहाँ होती है। और क्वेश्चन नंबर 9 की वीर क्या है। 10 है कि प्रत्येक फेलोपियन ट्यूब की लंबाई क्या है ना। चलिए ये आपका था, उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखना, यहाँ पर आप लोगों से लघुत्तर या प्रश्न में 5 नंबर वाला जो प्रश्न है, इसमें आपसे 11 से 15 तक पूछा है, आपको 3 प्रश्न बनाना, 15 नंबर के लिए होगा, ठीक है। देखो पहला नंबर प्रश्न का मैं उत्तर बताऊंगा, 11 का निम्नलिखित में कार्य बताए, जैसे कॉपर ट्यूम और एग्रोसोम का बताऊंगा, तो इसका मैं उत्तर बताऊंगा। 7 में यहाँ पर बताऊंगा यौन जो ना द्विरूपता क्या है। और उसके बाद डायरेक्ट में इसका यहाँ पर देख लो, वैसे 13 नंबर की मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाए, तो इसका उत्तर नहीं बताऊंगा। 14 नंबर का भी नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट में आपको 15 नंबर का फिर उत्तर बताऊंगा। तो 15 नंबर की एसिडिटी क्या है, और कुछ SDTS के नाम लिखे वो उसे कैसे जो ना जाना जा सकता है, तो इसका डायरेक्ट उत्तर डाउनलोड करना सीखते हैं। तो प्यार
बच्चों आप लोग क्या करिए, सबसे पहले ना गूगल को आप लोग फटाफट से ओपन कर लिया क्रोम ब्राउजर को और मिथुन स्टडी सेंटर सर्च कर लीजिए, ठीक है। मैं पहले ही कर लिया, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके और फिर ऊपर करेगा मिथुन स्टडी सेंटर का ऑप्शन वेबसाइट मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करिएगा, इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे चले आना है, ठीक है। नीचे आइए, क्लास ट्वेल्थ का सेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। क्लास ट्वेल्थ का ये रहा सेशन और ये आपका जून मंथली एग्जाम के लिए लिखा है, इस पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करके स्क्रॉल डाउन करिए, नीचे आइए, नीचे आइएगा तो क्लास ट्वेल्थ का यहाँ पर सेशन देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। देखिए आपका जैसे कि आप मैथ का भी डाल दिया हूँ, बायो का भी डाल दो, मैथ है ना तो मैथ यहाँ बायो लिखा है ना, देख लीजिए बायो के सामने डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक कर लीजिए, पेज को रिफ्रेश कर लीजिए, फिर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइए। नीचे आइएगा तो आपको जो है ना प्यारे बच्चों यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का तो आंसर की मिल ही जाएगा, साथ में जो है ना सब्जेक्टिव का भी मिलेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन में पहला नंबर प्रश्न का मैं उत्तर दे दिया हूँ, इसके बाद दूसरा नंबर का दे दिया हूँ, आप यहाँ से भी लिखना चाहे तो लिख लीजिए, बट मैं कहूँगा आकर के लिख लो यहाँ से आप लोग। तीन नंबर का ये रहा, चार नंबर का ये रहा, इसके आगे बढ़ोगे ना तो ये आप लोगों का पाँच नंबर का उत्तर रहा, ठीक है। अब लॉन्ग क्वेश्चन में देना था उत्तर, तो यहाँ पर देखो ग्यारह नंबर का मैंने दे दिया उत्तर, बारह नंबर, ग्यारह नंबर में मतलब कि अलग अलग था ना, एक पहला का दिया हूँ और दूसरा का, ठीक है। तो ग्यारह नंबर का ये रहा उत्तर, फिर आगे बढ़ोगे तो ये आपका बारह नंबर का उत्तर, फिर ये पंद्रह नंबर का, तो इस प्रकार से मैंने पूरा का पूरा आंसर के दे दिया है। तो यहां से डाउनलोड कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह ज्वाइन कर लेना, ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके, इसी चैनल पे आप लोगों का क्लास भी होता है, ठीक है, तो इसे जरूर कर लेना। और इसके बाद प्यारे बच्चों आप सब मैथ का डाउनलोड करना चाहो तो मैथ के लिए यहां पर डाउनलोड लिखा है, इस पे आना, इसको भी रिफ्रेश कर लेना, फिर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना। नीचे आओगे तो यहां पर प्यारे बच्चों आपको ऑब्जेक्टिव के साथ में ऑब्जेक्टिव का आंसर की दिया ही गया है, साथ में आप लोगों को सब्जेक्टिव का भी आंसर की यहां पर देखने को जो है ना मिल जाएगा। तो ये देख लो, ये रहा सारा सब्जेक्टिव का, तो आकर के लिख लीजिए आप लोग।